हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्नावली नंबर 16 है, आंकड़ों का प्रबंधन, राजस्थान कक्षा नंबर 8, उसका है आपका दोस्तों उदाहरण नंबर 1। अब इस उदाहरण में हमें क्या कहा गया है कि संलग्न पाई चार्ट एक मकान के बनाने में विभिन्न मंदों में खर्च को दर्शाता है। ये हमारा एक पाई चार्ट है और इसके अंतर्गत ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या लगे हुए हैं, मंद, यानी कि उनका खर्च बताया गया है। सबसे पहले है सीमेंट, सीमेंट में 20%, ईंट लगती है 15%, मजदूरी लगती है 25% और अन्य खर्च लगता है 30%, और लोहा लगता है, लोहे पर खर्च लगता है 10%। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, इसको देखते हैं और इसको हमें करना है, इसका निकालना है हमें आंसर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि किस मंद में वे सबसे अधिक है। इस पाई चार्ट में आपको देखना है कि किस मंद में वे सबसे अधिक। तो सबसे अधिक देखो, सीमेंट में 20%, ईंट में 15, मजदूरी में 25, अन्य में 30 और लोहे में 10। तो अन्य में देखो 30% लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अन्य, और अंदर क्या लिखोगे, 30%। बस हो गया इसका आंसर। अब दूसरा देखो, किन दो मंदों का वे कुल वे का आधा है। तो दोस्तों, इस पाई चार्ट का कुल व्यय कितना है, सबसे पहले तो ये देखो, कुल व्यय, इसका कुल व्यय है दोस्तों आपका 100%। इन सबको जोड़कर देख लो, 25 और 15 कितने होते हैं, 25 और 15 40, 40 और 20 कितने होते हैं, 60, 60 10 70, 70 और 30 100, 100% हुआ ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि किन दो मंदों का व्यय कुल वेग का आधा है, यानी कि इसका आधा, तो आधा क्या हो जाएगा, 50%। अब किन दो मंदों को जोड़ें जिनका योग क्या है, 50%। तो यहां पर देखो, 10 और 20 को जोड़ते हैं 30 आता है, नहीं होता, 20% और 30% को जोड़ो कितना होता है, 50%। तो इसका आंसर क्या होगा, सीमेंट, सीमेंट, सॉरी, सीमेंट प्लस अन्य, इनको जोड़ने पर क्या आता है, कुल का आधा। तो बताओ, जोड़ते हैं, सीमेंट का कितना है, 20%, प्लस अन्य का कितना है, 30%, और बराबर आधा यानी 50। तो दोनों साइड जोड़ते हैं तो 50% आता है, तो बराबर है। अब अगला देखो, इसका आंसर क्या होगा, सीमेंट और अन्य। अब अगला देखो, यदि ईंटों का खर्च 3,000 रुपये है, ईंटों का खर्च क्या दिया गया है, 3,000, सॉरी 30,000 रुपये, ईंटों का खर्च अगर पैसे में बात की जाए तो 30,000 रुपये है, और परसेंट में बात की जाए, ईंट कहां पर है, यहां पर, अगर परसेंट की बात की जाए तो 15% है। तो बताओ, 15% के बराबर कितने रुपए हैं, 30,000, दोनों बराबर हैं, एक ही मतलब होता है। तो हमें क्या पूछा है, लोहे पर खर्च क्या होगा, तो लोहा कहां पर है आपका, ये रहा, लोहा कितना प्रतिशत है, 10%। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 15% है तो इसका क्या निकाल लेते हैं हम, 1%। तो देखो, 30,000 इधर है, इस 15 को, यहां पर 15 क्या है, गुणा में 1 के, तो इसको क्या ले आते हैं, भाग में। तो बताओ, 1% बराबर कितना आया आपका खर्च, 30,000 बट्टा 15, और हमें निकालना है लोहे का, किसका निकालना है, लोहे का। तो बताओ, लोहे का प्रतिशत कितना है, 10, ठीक है। अब देखो, 10% लोहे का है और हमारे पास 1% का खर्च क्या आ रहा है, 30,000 बटा 15। तो 10 को किससे गुणा कर देंगे, 30,000 बटा 15, ठीक है। अब दोस्तों, जो चीज कट रही है उसको काट दो, 1 5 5 2 5 10, 1 5 5 2 5 10, 3 5 15, दोनों संख्याएं 5 के पाड़े से कट रही है, ये 10 तो कट रहा है 2 पर और 15 कट रहा है 3 पर। अब देखो, 3 1 3, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचे आपके, इधर तो बचा 2 गुणा में और इधर बचा 1, और पीछे कितने शून्य हैं, यहां पर 1 बचा कटने पर, 3 1 3, 1 2 3 4, तो पीछे शून्य है 4, तो यहां पर शून्य लगा दी 4। अब 2 को गुणा करो 10,000 से, कितना आएगा, 20,000। और हमें क्या पूछा था
कि यदि ईंटों का खर्च 30,000 रुपए है तो लोहे पर खर्च क्या होगा, लोहे पर खर्च होगा दोस्तों आपका 20,000 रुपए। तो ये था दोस्तों आपका उदाहरण नंबर 1। तो सिंपल है, अगर वीडियो देखते हो लास्ट तक, पूरा समझ में आता है नहीं आता है ना, तो एक बार वीडियो को पॉज कर वापस देखो, अपनी कॉपी में साथ में नोट करते जाओ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेंट में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहे हमारे चैनल अनुभव द्रवी के मैथ्स को।